सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर, हाजिर हूं फिर से एक नया वीडियो लेकर। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, फाइनली मैंने अमेजोन से बोया का M1 माइक परचेस कर लिया है। काफ़ी कुछ सुना था मैंने इस माइक के बारे में कि इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। 95% यूट्यूबर्स जो है वो बोया का M1 माइक ही परचेस करते हैं। तो ये जो मैंने अभी परचेस कर लिया है, इसकी नॉर्मल कॉस्टिंग 2000 रुपये है तकरीबन, लेकिन मैंने इसे परचेस किया है अमेजोन से और ये मुझे मात्र 750 यानी 750 रुपये का पड़ा है। तो अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, हम देखेंगे इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है, कौन से एडिशनल फीचर्स हैं और साउंड क्वालिटी कैसी रहती है अगर हम इस माइक का यूज़ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है। सो गाइज, ये है बोया का M1 माइक जो मुझे अमेजोन की तरफ से मिला है। अच्छे से इसकी रैपिंग की गई है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम यहाँ से साइड से काट देते हैं। इस माइक की कॉस्ट नॉर्मली जो है वो है 2000 रुपीज़, लेकिन मुझे अभी जो मैंने परचेज किया है तो ये मुझे पड़ा है 750 रुपीज़ का। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक बिल पड़ा हुआ है, ये बिल रहा, और इसके बगल में पड़ा हुआ है एक बॉक्स, ये है आपका माइक। देख लेंगे यहाँ पे, ये माइक पड़ा हुआ, एक बगल में पड़ी हुई है यूज़र गाइड। तो यहाँ पर बॉक्स के अंदर हमें इतनी चीज़ें मिली हैं। एक है यूज़र गाइड जिसमें बताया गया है इसमें क्या है। अगर आप इसको ओपन करके देखेंगे तो इसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस वगैरह, इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे क्लिपिंग करनी है, इसके बारे में यहाँ पर शो अप किया गया है। और इसके बाद ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसमें, तो गाइज ये है बॉक्स जिसमें लिखा हुआ है बोया, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ नीचे चीज़ें लिखी हुई हैं। जब हम इसको बगल में यहाँ पर घुमाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ फॉर स्मार्टफोन्स, कैमकोडर्स, DSLRs, ऑडियो रिकॉर्डर्स, PC एक्सेट्रा। इसके बाद आप पीछे जाएंगे तो यहाँ पर आपको इसके फीचर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिप ऑन माइक फॉर स्मार्टफोन्स, DSLR, कैमकोडर, ऑडियो रिकॉर्डर्स एंड एक्सेट्रा। इसके बाद ओमनी डायरेक्शनल, कंडेंसर, माइक्रोफोन एंड काफ़ी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। नीचे जस्ट उसके स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं। अब हमें करना क्या है, हमें इस बॉक्स को हम ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पर मैं इस बॉक्स को कर लेता हूँ ओपन। तो यहाँ से हमने इस बॉक्स को ओपन कर लिया है और यहाँ पर ये कुछ रहा बॉक्स के अंदर। आपको एक और यहाँ पर ये लेदर का बैक टाइप में मिला है छोटा सा, और अभी हम इसके अंदर देखेंगे तो इसी के अंदर माइक्रोफोन पड़ा हुआ है। तो अभी हम निकालेंगे तो इस माइक्रोफोन के अंदर मिला है, एक तो ये है पाउच टाइप में जिसमें एक फॉर्म का ये कवर है, क्लिप है, बैटरी है और एक एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया हुआ है आपका जैक। और इसके बाद अगर हम इधर देखेंगे तो ये रहा आपका माइक। यहाँ पर ये माइक है और इसमें आपको मिल जाती है 3.5 mm की जैक जो यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इसमें काफ़ी अच्छी केबल दी हुई है, काफ़ी लंबी केबल है। और आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या हैं, यहाँ पर ऑप्शंस हैं कैमरा पे भी ये सपोर्ट करता है और ये स्मार्टफोन्स पे भी सपोर्ट करता है। तो फिलहाल ये बाय डिफ़ॉल्ट स्मार्टफोन्स के लिए आ रहा है। आप इसे अपनी इच्छा अनुसार चाहें तो आप कैमरा पे सेट कर सकते हैं या फिर आप स्मार्टफोन पे सेट कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अभी हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पर असेंबल कर देते हैं। यहाँ पर हमने बैटरी इंसर्ट कर दी है। बैटरी इंसर्ट करने के बाद अब क्या करना है, हमें इसको बॉक्स बंद कर देना है। तो यहाँ पर अभी ये माइक यूज़ के लिए रेडी है, अब इसे हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लगभग सारा काम कर लिया है। यहाँ पे मैंने फॉर्म कवर लगा दिया है, क्लिपिंग भी कर दी है। अब इसका हम साउंड टेस्ट करते हैं कि इसका यूज़ करने के बाद आवाज़ यानी साउंड कैसा आएगा। सो गाइज, अब जो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है वो है बोया M1 माइक की। इससे पहले जो मैं माइक यूज़ कर रहा था, इसे मैंने परचेस किया था 150 रुपये का, यानी 150 रुपीज़ का। इस माइक में भी आवाज़ काफ़ी अच्छी थी, मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई है। बस एक ही इशू था, इसकी केबल बहुत छोटी थी, इसीलिए जब मैं स्मार्टफोन के साथ इसको कनेक्ट करता था तो मुझे स्मार्टफोन पास ही रखना पड़ता था। बाकी इसका भी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा था। बोया M1 माइक का फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि इसमें एक लंबी सी केबल आपको मिलेगी, इससे आप स्मार्टफोन अपना काफ़ी दूर रख सकते हो और ये फिर भी इजीली आप इसको क्लिप करके आराम से अपने वीडियो को शूट कर पाओगे। अब रही वॉइस, तो वॉइस आपको सुनाई दे रही होगी। इससे पहले जो मैंने रिकॉर्डिंग की थी उसमें मैंने नॉर्मल वाला माइक यूज़ किया था
जिसको मैंने बताया कि मैंने इसको परचेज किया था अराउंड 175 रुपीज़ का, और ये जो बोया का माइक है इसे मैंने परचेज किया है अभी 750 रुपीज़ का अमेजोन से। आपको परचेज करना है, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात आती है इसकी क्लिपिंग कहाँ करें, तो हो सके तो इसे अपने ज़्यादा नज़दीक ना लाएं। जब आप इसे नज़दीक लाएंगे तो आपके में भी वहाँ पर जो सांस वगैरह ब्रीथिंग रहती है तो उसका भी साउंड जाता रहता है, तो इसे रिकमेंड किया जाता है कि इसे आप दूर रखें, थोड़ा दूरी पर लगाएं और सेंसिटिव के हिसाब से यहाँ पे ये आपका सेट हो जाएगा। इसके बाद एक और चीज़ है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था ये दोनों ही बेस पे सपोर्ट करता है, कैमरे पे भी और स्मार्टफोन्स पे भी, और उसके लिए आपको इसमें थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक आपको क्लिपिंग दी गई है, इसमें एक बटन है, इस बटन को जब आप ऊपर करेंगे तो ये कैमरे पे सपोर्ट करेगा, जब नीचे करेंगे तो स्मार्टफोन पे सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर मैंने जो सेटिंग कर रखी है वो मैंने स्मार्टफोन पे कर रखी है, और बाय डिफॉल्ट ये स्मार्टफोन्स पे ही आता है। तो काफ़ी अच्छा माइक है, इसको आप यूज़ कर सकते हो अपनी इच्छा अनुसार, आप इसे परचेज कर सकते हो। अगर आप यूट्यूबर हो या आप वीडियोज़ बनाते हो, कंटेंट क्रिएट करते हो, तो आप बोया M1 माइक परचेज कर सकते हो। अभी ये 750 रुपीज़ का मुझे पड़ा है अमेजोन से, डिलीवरी चार्ज फ्री थी, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए वहाँ से इसको परचेज कर लिए। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसा लगा आपको ये माइक, इसको कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे एक नया टॉपिक पर बात करते हुए, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।